आपको पसंद आई हो। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज आइसक्रीम। उसके लिए हमने थोड़ा सा सामान ले लिया है। इस आइसक्रीम बनाने में ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सामान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने थोड़ा ही सामान ले लिया है। उसके लिए हमने चॉकलेट ले ली है, फंडा चॉकलेट जो ऑरेंज कलर की निकलती है, इसका फ्लेवर भी ऑरेंज है। चीनी ले ली है, पानी ले लिया है और ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ग्लास ले लिए चाय वाले, चम्मच ले लिए, फॉल ले लिए और रबड़ ले लिए। सबसे पहले हम गैस को स्टार्ट करेंगे और चायदाना रख दिया है हमने गैस पे। अब इसमें सबसे पहले हम पानी डालेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चॉकलेट को खोल लेंगे। सकते हो हमने चॉकलेट्स को खोल लिया है। अब हम इस पानी में चीनी डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है अब तब तक हम इसमें इस चॉकलेट को पानी पॉलीथिन में एक भर देंगे। व्हाइट कलर की पॉलीथिन लेनी है आपको। इसमें हम चॉकलेट को डाल लेंगे। आप देख सकते हो हमने चॉकलेट को पॉलीथिन में डाल दिया। अब इसको हम लोड़े से फोड़ देंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरीके से कूट चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट हमने इसमें डाल दी है। अब इसका कलर भी ऑरेंज हो रहा है। हम इसको अच्छी तरीके से चॉकलेट को घोड़ लेंगे। आप देख सकते हो हमारी जो चॉकलेट है अच्छी तरीके से इसमें घुल चुकी है। इसका कलर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा ऑरेंज ऑरेंज आ गया है और ये अच्छी तरीके से खोल रही है। हम इसको और अच्छी तरीके से खोला लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से बन चुका है चॉकलेट का पेस्ट। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। आप देख सकते हो जो हमारा चॉकलेट का पेस्ट है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम गिलास चाल तैयार करेंगे। हमने 5 गिलास ले लिए हैं। गिलास तैयार के लिए हम पहले ग्लास ले लेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसके बाद रबड़ से इसको कवर कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चम्मच लगाएंगे। चम्मच लगाने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे। अब इसमें चम्मच अच्छी तरीके से लग जाएगी। अब ऐसे ही हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने उसी तरह सारी आइसक्रीम को भर लिया है। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। आप देख सकते हो मैंने उसी तरह सारी आइसक्रीम को भर लिया है। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। आप देख सकते हो आइसक्रीम हमारी अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब हमें इसको निकालना है पैकेट्स में से, इसलिए हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको रबड़ इसकी हटा लेंगे। इसके बाद हम पेपर हटा लेंगे, सबकी रबड़ हम हटा लेंगे।
पेपर इसका हटा देंगे। आप देख सकते हैं ऑरेंज हैगी। अब इसको हम काट देंगे। आप देख सकते हो जिस तरीके से ये निकली है उसी तरीके से हम सारी निकाल लेंगे। आप देख सकते हो हमारी जो ऑरेंज आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है इस तरीके से। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ये। आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।